मुर्दाबाद, भूषण मुर्दाबाद, भूषण मुर्दाबाद। पहलवानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पहलवानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में भूषण मुर्दाबाद, भूषण मुर्दाबाद। पहलवानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, पहलवानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जिन्होंने पूरी भाजपा को चित करके रखा हो, 10 सालों से वो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर वालों को पद देकर बैठा रखा है। कोई बिहार का उनका दामाद अध्यक्ष बना हुआ, कोई कहाँ का। उन पे जो आरोप लगा है वो संगीन आरोप है। जो हमारे देश के लिए स्वर्ण जीत के लाने वाले खिलाड़ी हैं, जो अपना पूरा जीवन इस खेल को समर्पित कर देते हैं, उन्होंने उनका शोषण करा है। कोई एक दो का शोषण नहीं करा है, सैकड़ों लड़कियों का शोषण करा है। उनके सम्मान के लिए, लड़कियों के अधिकार के लिए, उनके साथी, उनके पहलवान जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और आगे देश के लिए जीतना चाहते हैं, अपना पूरा जीवन उनके लिए कुर्बान करना चाहते हैं, उसके लिए भाजपा पार्टी एक ऐसे दुराचारी उनके अध्यक्ष को बचाना चाहती है जिन्होंने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया है, खिलाड़ियों के साथ में उनका अपमान किया है, कैसे कैसे उनको प्रताड़ित करा होगा आप सोच सकते होंगे। और वो आदमी जो बोलता है कि मैंने सरेआम एक हत्या करी है, एक न्यूज़ चैनल पे वो उस चीज़ को कबूलता है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट उसके सामने नतमस्तक है, घुटने टेक के बैठी हुई है, उसको मंत्री बना के बैठा के रखा हुआ है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब इतना पाक और शाप बनते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। आम जनता नहीं लड़ रही है, ये देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी लड़ रहे हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने साथियों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको अपना सम्मान पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अधिकारियों के नहीं, देश की जनता के सम्मान की बात है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। एक अगर कोई लड़का चलता है और किसी लड़की को आवाज़ मार देता है, उस पर FIR हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा नेता कई लड़कियों का शोषण करने के बाद भी, जिसे 12 दिन से वो खिलाड़ी डटे हुए हैं जमीन पर, आज बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि खिलाड़ियों के साथ मारपीट की जा रही है। उनके साथ खाना, अनाज, पानी आने से रोका जा रहा है, उनकी दवाएं तक आने से रोकी जा रही हैं। उनकी हिम्मत देखिए, वो नेट को छोड़ के रोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो देश के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है। आज यूथ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ब्रिगेड ने उनके सम्मान में और सेवा दल ने उनके अधिकार के लिए, उनके लड़ाई में साथ देने के लिए आज पुतला दहन किया है।